नमस्कार चिल्ड्रन, दिस इज़ दिशा मैम एंड वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। दिवाली गई, न्यू ईयर गया, सो आई हैव मेड अ रिजोल्यूशन। फ्रॉम दिस टुडेज वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर विथ थ्री टाइम्स रिसाइटिंग थ्री टाइम्स गायत्री मंत्र दैट वी वेर ऑलरेडी डूइंग व्हेन वी वेर एट स्कूल, राइट। चलिए, सो ऑनेस्टली एंड विथ सेल्फ डिसिप्लिन लेट अस ऑल जॉइन आवर हैंड्स एंड स्पीक गायत्री मंत्र थ्री टाइम्स। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ रब योर हैंड्स। फ्रेश, ओके। सो दिस वी विल बी डूइंग फ्रॉम एवरी वीडियो एंड ऑनेस्टली जब भी आप वीडियोस देखने बैठते हैं तब यू हैव टू डू दिस विद मी साइमल्टेनियसली, राइट। दिस इट हैज मेनी बेनिफिट्स। सी, जैसे अभी वी नो दैट वी आर इन अ पेंडेमिक सिचुएशन एंड ऑल, सो दिस गायत्री मंत्र गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी टू योर बॉडी। इट रिलीव्स द स्ट्रेस। आपको बहुत बार ऐसा होता, हाला अभी तो आपको कुछ स्ट्रेस नहीं है, ना एग्जाम्स का, ना टीचर्स का, ना होमवर्क का, बट देन टू ऑल्सो दिस रेगुलर वर्क विच यू हैव बीन डूइंग। एंड आई नो मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट यू गाइज आर इन टू मोबाइल्स एंड यू नो पूरे दिन मोबाइल या टीवी, मोबाइल या टीवी। तो दिस वुड रिड्यूस योर यू नो क्रेविंग टूवर्ड्स फोन एंड टूवर्ड्स योर टीवी, राइट। चलिए, सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे, आई हैव प्लान्ड समथिंग गुड फॉर यू टूडे। जनरली वी राइट, वी रीड। टूडे वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। नाउ यू विल टेल मी कि हाउ विल वी डिस्कस इन द वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। तो मेरे साथ साथ में जैसे जैसे आई एम क्वेश्चनिंग, यू हैव टू गिव मी, यू हैव टू आंसर मी, राइट। इट्स वुड बी इजी, नो नीड ऑफ सेंडिंग मी द व्हाट्सएप और समथिंग, बट जहाँ जहाँ मैं पूछ रही हूँ वहाँ वहाँ यू हैव टू आंसर मी, राइट। भले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के सामने ही आंसर कर दे, इफ एट एनी केस यू फील एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, फील फ्री टू टॉक विद मी, राइट। चलिए, सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। सो चिल्ड्रन, this is as you know our English book and today we will be doing page number 129, page number 129, this enrichment page. So take out that page first, enrichment page. The heading says, don't judge a book by its cover. The bottom line, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मीन्स कि कभी भी टू यू नो टू टेक डिसीजन्स और यू टू टेक, कभी आपको ऐसा लगता है कि योर फ्रेंड, बिकॉज वंस इफ योर फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू यू, तो यू फील दैट दैट पर्सन इज बिट अनोइंग एंड बिट प्राउडी। एक्चुअली द रीजन माइट बी बिकॉज दैट friend of yours, whether girl or boy, she might or he might feel less in confidence while in talking, right? So that might be a reason. So without knowing the full reason, never ever judge a people. Agar aapko pata ho to in the TV we also have seen an ad
that a lady a person is buying a plot or something, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे smart managers मिलेंगे तो क्या नहीं, because they all were dressed up in very casual clothes. जो वहाँ पे लोग खड़े हैं वो they are all dressed up in casual clothes. So that person who has brought that zameen or land, he asked that person कि यहाँ पे मुझे अच्छे manager मिलेंगे, qualified manager मिलेंगे. And a lady comes with a pure white clothes and she tells that don't judge a book by its cover. माने बुक को रीड करोगे तो पता चलेगा, जैसे बुक को रीड करते हैं तो पता चलेगा कि बुक कैसी है. इन द सेम वे व्हेन यू नो दैट पर्सन, व्हेन यू नो सम थिंग्स विच हैज बीन डन बाय दैट पर्सन, देन ओनली यू विल बी एबल टू पोजेस एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज. क्लियर? किसी को जानने से पहले उसके बारे में कोई भी बात अगर आपने सुनी हो तो उसके ऊपर उसको जज ना करें. यू हैव टू नो दैट पर्सन, राइट? चलिए, सो लेट अस रीड फर्स्ट व्हाट इज दिस पेज इज हैविंग. पेज नंबर 129. इन द स्टोरी सिनबाद एंड हिज मैन लैंडेड ऑन द आइलैंड बिकॉज इट looked beautiful and quite peaceful, right? अगर ये story की बात करें सिंदबाद वाली, so we know that, so here if we talk about Sinbad and his sailor, the story of an adventurous boy named Sinbad, we know that उन लोग ने वो island पे land क्यों किया, because the island looked quite well and peaceful and pretty. On the contrary to their thoughts, what did they found? They found that the island was actually not an island, it was a fish, right? So they landed because it looked beautiful and quite peaceful. They neglected the signs of danger because everything looked good. This led them straight into danger. In the forest, Sinbad thought that the flower would smell nice because it looked pretty. However, he was wrong, right? These all signs were telling that this island is not good because everything was such good. Sinbad ne jab forest mein gaya to wahan pe usne animals nahi dekhe, birds nahi dekhe. So that itself says something because there is no one in that island. So that island should not be safe. बट एज दे हैड दैट इन माइंड कि नहीं ये आइलैंड तो बहुत अच्छा दिखता है बाहर से, दूर से बहुत प्यारा दिख रहा है, तो दे डिडंट गो वेंट टू दैट पॉइंट वेयर दे कुड सी दिस साइंस ऑफ डेंजर, राइट? सो दिस माई डियर चिल्ड्रन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सिचुएशन में हम आपको बहुत बार ऐसा लगता है टीचर्स आर टेलिंग यू या टीचर्स आर स्कोल्डिंग यू. जैसे इफ आई टेल यू अभी तो खैर स्कूल चलिए बंद है, दैट वी डोंट रन हियर एंड देयर, यू ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ रनिंग. ओके, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यू कैन रन, यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी इन यू, तो आप रन कर सकते हो. बट देन रनिंग इन द स्कूल प्रिमाइसेस, कभी ऐसा होता है कि कॉर्नर पे जो होता है वहां पे अगर आप दोनों तरह से एक लड़का रन करके आ रहा है, हमने बहुत बार देखा है कि रिसेस में नाश्ता गिर जाता है या खुद गिर जाते हैं या टकरा जाते हैं. टू अवॉइड सच इंसिडेंट वी शुड नॉट हरी, वी शुड ऑलवेज फॉलो व्हाट द टीचर्स आर टेलिंग. आपको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं राइट नाउ, इफ इन दिस सिचुएशन इफ आई टेल यू वी ऑलवेज वी द पेरेंट्स, मैं आपके मम्मी पापा होंगे, आई हैव माई किड्स, वी द पेरेंट्स हम हमेशा बोलते रहते हैं दैट यू मस्ट वेयर मास्क, यू मस्ट फॉलो योर सैनिटाइज योर टॉयज और यू सैनिटाइज योर हैंड्स. किसी के घर में अगर पॉजिटिव केसेस आ गए हो तो एक्स्ट्रा केयर इज टेकन टू यू फॉर योर, राइट? सो वाई दिस वी ऑल आर वी डूइंग ऑल दिस, इट्स बिकॉज वी केयर फॉर यू, राइट? तो हम जैसे बहुत बार आप मानते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नहीं मानते हो, यू आर नॉट अबोइंग एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं, बट येस मैनी टाइम्स यू डोंट
बिकॉज यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, राइट? तो हमेशा याद रखो, बेट आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं, बट देन योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, योर टीचर्स, दे नो वॉट इज रॉन्ग एंड वॉट इज राइट. सो फॉलो वॉट दे आर टेलिंग, राइट? सो थिंग, वॉट डज दिस टेल अस? ये सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है? Things and people are not always as they look. How a person, a situation or a thing looks on the outside does not tell us everything about them. So next time you like or dislike something, take a closer look. As I told you in the beginning, कि एक कोई एक situation या एक कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, उसको जज करने से पहले, उसको लाइक या डिसलाइक करने से पहले, थिंक व्हाई ही डिड दैट. उसकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते, और उसकी जगह पे वो सिचुएशन क्या होती, राइट? आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस इज बिट हार्ड एट योर पॉइंट, बट देन मैंने जैसे आपको बोला था कि वी विल हैव अ इंटरैक्टिव क्लास, तो आई विल बी गोइंग टू गिव यू सिचुएशंस वेयर यू विल गिव मी answers, राइट? आई डोंट want WhatsApp answers, nothing. बस आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दीजिए, ठीक है? Now, suppose we are sitting in a classroom and you are asking for a pencil to the boy or to the girl sitting next to you. आपके बाजू में लड़का या लड़की जो भी बैठा है उसको आप पेंसिल के लिए पूछ रहे हो, एंड ही और शी डिनाइज, वो नहीं देते. सो व्हाट वुड यू थिंक, आपको क्या लगेगा? यस, मेनी ऑफ यू माइट हैव गिवन द आंसर दैट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और कोई ऐसा स्मार्ट होगा तो ऐसा कोई सोचेगा कि भाई इसके पास एक ही पेंसिल है. किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ये नहीं देना चाहता है मुझे या नहीं देना चाहती है मुझे, राइट? दिस आर द आंसर्स. नाउ इफ द सेम पर्सन टेक्स आउट अ पेंसिल फ्रॉम हिज बैग एंड स्टार्ट्स राइटिंग एंड पुट, उसके पास जो पेंसिल थी उसने कंपास में रख दी, एंड ही टेक्स आउट द सेकेंड पेंसिल, व्हाट यू विल थिंक नाउ? आपको क्या लगेगा, व्हाट यू विल थिंक? आपने पेंसिल उससे मांगी, ठीक, उसने आपको ना बोला. अब नाउ व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली आफ्टर द सेम थिंग, ही कीप्स हिज पेंसिल, जिससे वो लिख रहा था वो पेंसिल उसने अंदर डाल दी, एंड ही टुक आउट, ही टेक्स अनदर पेंसिल. नाउ व्हाट वुड बी यू, व्हाट वुड यू फील और व्हाट वुड यू से, क्या बोलोगे आप? यू वुड प्रोबेबली से दैट, या तो आप टीचर को पहले तो बोल दोगे, या तो आप उसको बोलोगे कि तुम्हारे पास पेंसिल है तो क्यों नहीं दी, राइट? नाउ व्हाट इफ द पर्सन टेल्स दैट आई हैव टू पेंसिल्स बट आई डोंट हैव शार्पनर. सपोज आई एम टेकिंग द क्लास, और मैंने उसको आपके बाजू वाले को डांटा, मैंने बोला कि भाई आपके पास दो पेंसिल थी तो आपको एक देना चाहिए ना, क्यों नहीं दिया? So in reply to that, if he says that, ma'am, it is because I have two pencils but one sharpener, और मेरी जो पेंसिल जिससे मैं लिख रहा था, sorry, no sharpener, और मेरी जो पेंसिल जिससे मैं लिख रहा था वो पेंसिल टूट गई, तो मैं इनको टूटी हुई पेंसिल कैसे दूँ मैं, as I don't have sharpener and I have to write. So he wasn't wrong at his side, right? और आप भी सही नहीं, आप भी रॉन्ग नहीं थे, बिकॉज आपने भी जब टीचर से कंप्लेन किया तो आपके दिमाग में ये होगा कि इसके पास दो पेंसिल्स हैं, राइट? सो ऑलवेज लुक इनटू द सिचुएशन एंड देन फ्रेम एनी आंसर्स फॉर दैट, क्लियर? चलिए नाउ हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इन द स्पेस प्रोवाइडेड राइट डाउन द नेम ऑफ वन फूड आइटम यू थॉट यू इट वुड टेस्ट बैड बट टर्न्ड आउट टू टेस्ट गुड. अपने अपनी लाइफ में इतनी सारा खाना खाया हुआ है, सो एनी फूड आइटम जो आपको खाने से पहले लगा हो कि यक, ये तो यक होगा, बट देन इट वॉज वेरी वेरी यमी, चलो राइट इट
एनी फूड आइटम, एनी फूड आइटम जो आपने टेस्ट किया हो एंड यू फेल्ट कि नहीं इट इज इट इट वॉज बैड एंड सडनली यू रियलाइज दैट इट इज वेरी गुड इन टेस्ट, देन वन थिंग दैट लुक्ड स्केरी बट टर्नड आउट टू बी फन. एक ऐसी चीज जो आपको डराती थी, स्केर स्केरी इज लाइक यू वेर अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट देन इट ended with a fun. For example, if I give an answer for the first one, mera answer kya hoga? One food item that you thought it would taste bad but turned out good, mushrooms. When I first mushrooms aap khate ho, mushroom soup mein vagera hota, maine to bahut rare khaya hai but mushrooms hai. So mushrooms, when I tasted, I felt that when I looked, I felt it would not taste good, but then they were yummy, right? And one thing here, you can write any answer of your choice, right? One thing that looked scary but turned out to be fun. Dar lagta tha but then maza aaya. So it was. Driving a car, right? I was always obsessed. I thought ki kaise karenge, char gears hote hain, this big car and you are driving on a steering wheel, but then now it feels very good. It is always a fun to drive car. So these are my answers, and I am sure that you also have written the answers. It is something that you can judge by yourself. So, children, what we learned today is don't judge a book by its cover. Clear? Chali. Today, again, there would be no homework. So, I would want you to read this story once and always think before you leap. माने देर इज अ प्रोब इन इंग्लिश के थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीप, कुछ करने से पहले दो बार सोचो. सो आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू चर्न योर माइंड एंड टू थिंक बिफोर यू एक्ट. चलिए, ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट, दिस इज दिशा मैम साइनिंग ऑफ. बाय बाय.